हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी लाइफ मजे में चल रही होगी। दोस्तों, आधार कार्ड जो कि हर इंडियन सिटीजन का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक इंडियन सिटीजन खुद अपने आधार कार्ड के डिटेल को लीक कर देते हैं, जिनसे कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप आधार कार्ड का ऑल्टरनेटिव VID मतलब वर्चुअल आईडी यूज कर सकते हो और अपने आधार कार्ड के डेटा को लीक होने से बचा सकते हो। UIDAI ने खुद कहा है कि आप आधार सर्विसेज के जगह VID का इस्तेमाल करें, मतलब वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल करें, जो कि 16 डिजिट का एक नंबर होता है जिसको आप आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको VID मतलब वर्चुअल आईडी को जनरेट करना है और उसका इस्तेमाल करना है। जहां भी आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हो, वहां आप VID का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके आधार कार्ड का डेटा लीक नहीं होगा और आपका आधार कार्ड का डेटा सेफ रहेगा। जानने के लिए पूरे प्रोसेस को वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ गोविंद स्वागत करता हूं आप सबका टेक बुकलेट यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, VID जनरेट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताना चाहूंगा। दोस्तों, VID 16 डिजिट का एक नंबर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, जैसे कि आप जाते हो सिम कार्ड खरीदने के लिए किसी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां वो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगता है। आप अपना आधार कार्ड नंबर उसको दे देते हो, जिससे कि आपका आधार कार्ड का डेटा लीक होने का खतरा है। लेकिन अगर आप वहां पे अपना VID मतलब वर्चुअल आईडी नंबर देते हो, तो आपका आधार कार्ड का डेटा सेफ रहेगा, क्योंकि VID से आपके आधार कार्ड के डेटा के बारे में कोई पता लगा नहीं सकता है। लेकिन VID का इस्तेमाल आप हर उस जगह पे कर सकते हो जहां आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हो, बशर्ते आप जिस भी सर्विसेज का आप यूज करोगे पहले उससे जानकारी ले लोगे कि वो आधार कार्ड के अलावा VID को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। और दोस्तों, अगर वो एक्सेप्ट करता हो और फिर भी वो VID नंबर ना ले, तो आप UIDAI के वेबसाइट पे जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि VID को आपको जनरेट कैसे करना है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, ये जो VID है, आप कितने भी बार जनरेट कर सकते हो। और होता ये है कि आपने मान लीजिए आज एक VID जनरेट किया और 2 साल तक किसी भी VID को जनरेट नहीं किया, तो आपका ये VID हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, जब तक कि आप नेक्स्ट VID जनरेट नहीं कर लो UIDAI के वेबसाइट पे जाके। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। आप इन सारी प्रोसेस को अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, या आप किसी अन्य ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है UIDAI। टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो पहला लिंक ओपन होगा, आपको उसी लिंक पे क्लिक करना है। दोस्तों, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट तक आ सकते हो। यहाँ आपको क्या करना है, कर्सर को माय आधार के पास लेकर जाना है। यहाँ आपको आधार सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, उसमें चौथा ऑप्शन है वर्चुअल आईडी VID जनरेटर, आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आप माय आधार पे नहीं जाना चाहते हो, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार सर्विसेज का, यहाँ एक ऑप्शन है वर्चुअल आईडी जनरेटर, आपको इस पे क्लिक करना है। आप दोनों में से किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो सेम पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो मैं एक किसी भी पेज को बंद कर देता हूँ और एक पेज पे अपना जो भी आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है, उस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, आप VID उसी वक्त जनरेट कर सकते हो जब आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो वो आपके पास हो।
क्योंकि उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी जाएगा, और जब आप ओटीपी एंटर कर दोगे तो वर्चुअल आईडी जो आपको 16 डिजिट का नंबर मिलेगा वो भी आपके मोबाइल पे ही मैसेज के थ्रू जाएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है आधार कार्ड में तो सबसे पहले आप किसी मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करो अपने आधार कार्ड में, और उस नंबर को हमेशा अच्छे से रखो, गुम मत होने दो या फिर बंद मत होने दें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, कैप्चा कोड डाल देता हूँ और सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपसे मिलता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी क्या है, यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। अब हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है, जो कि 6 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया होगा। तो मैं ओटीपी को एंटर कर लेता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ जनरेट वीआईडी पे टिक करना है, उसके बाद आपको जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मेरा वीआईडी जनरेट होकर हमें मिल चुका होगा मैसेज के थ्रू, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमें यहाँ मैसेज आ चुका है, योर वर्चुअल आईडी इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब मैं आपको अपने मोबाइल का मैसेज दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे फोन पे मैसेज आया हुआ है, डियर गोविंद कुमार, उसके बाद 16 डिजिट का नंबर है एक, वही मेरा वर्चुअल आईडी है जो कि मैं आधार कार्ड के ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज कर सकता हूँ ताकि मेरा डेटा आधार कार्ड का लीक ना हो। और उसके बाद लिखा हुआ है, इज द वर्चुअल आईडी फॉर योर आधार नंबर, आगे कुछ एक्स बने हुए हैं, उसके बाद आपके आधार कार्ड का लास्ट 4 नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, जनरेटेड एट, आपने जब जनरेट किया होगा उसका डेट और टाइमिंग आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से आप वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकते हैं, और जहां भी आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वहां पे वीआईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे सेफ ऑप्शन है अपने आधार कार्ड के डेटा को लीक नहीं होने देने का, और आप वीआईडी बहुत बार जनरेट कर सकते हैं, आप जितना बार चाहें जनरेट कर सकते हैं। पुराना जो आपका वर्चुअल आईडी होगा वो लैप्स हो जाता है जैसे ही आप नया वर्चुअल आईडी जनरेट करते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।